आइए अभी हम एक और उदाहरण देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे मिस्टिकल है, रहस्यमय है और उसका योगा के साथ क्या संबंध है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के एक और जरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम जस्ट दो लेंस देखेंगे जो आमतौर पे हमारे चश्मे पर होते हैं। तो यहाँ पर आप दो लेंस देख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है इधर लेंस जो 90 डिग्री पर है। तो इनको दो अलग देखने का ये एक तरीका है। तो इसमें जब हम दो लेंस जैसे 90 डिग्री पर रखते हैं तो ये जो हिस्सा है वो पूरा काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट पोलराइज हो रही है। तो लाइट की दिशा अगर एक लेंस जिस डायरेक्शन में कर रहा है अगर वो सीधी करता है तो लाइट अगर ऐसे आ रही है और हमारा फिल्टर यानी लेंस अगर ऐसे है तो वो लाइट को रोशनी को पूरी तरह से रोक देगा, इसीलिए वो काला दिखता है, राइट? अगर यही लेंस बीच में होगा तो क्या होगा? अगर सपोज एक कोई लकड़ी है जो ऐसे सीधी चलती है, अगर हमने ऐसे की छन्नी डाली टेढ़ी तो क्या लगता है आपको, कोई भी लकड़ी उस छन्नी को पार कर पाएगी? नहीं करेगी ना। अगर छन्नी भी ऐसे सीधी है और लकड़ी भी ऐसे सीधी है तो ही वो पार कर पाएगी। और अगर हम पूरी तरह ऐसे कर दें उल्टा तो ऑब्वियसली वो पार नहीं करेगी। तो यही हम लाइट के रूप में देख रहे हैं अगर हम दो फिल्टर डालते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है लाइट के साथ, जब हम एक तीसरा लेंस बीच में डालते हैं एक एंगल पर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्या होता है, अभी छन्नी ऐसी है फिर भी थोड़ी लाइट पार हो जाती है, इसीलिए हमें ये काला नहीं दिख रहा। इस एरिया में जहां पर सिर्फ दो लेंस है 90 डिग्री वाले वहां काला है, बट जहां पर 45 डिग्री का लेंस है ये वाला वहां पर लाइट पास हो रही है। तो पहले ऐसे लाइट आ रही है पर वो ऐसी छन्नी से जा रही है और उसके बाद और 45 डिग्री पे अगला छन्नी भी है, फिल्टर भी है और फिर भी लाइट जा रही है। तो ये देखने को मिलता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो देखने को मिलता है जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, हमारी नॉर्मल समझ से अलग है कि अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और मेरी फिल्टर ऐसा है तो उससे पार होना नहीं चाहिए, बट इस केस में पार होता है। और इंटरेस्टिंग जैसे ही अगर हम पूरा अब कर देंगे तो दिख रहा है पूरा हो गया ये चीज। अभी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जहां पर तीनों होते हैं जैसे ये, वो हिस्सा एक्चुअली ब्राइटर होता है, वो ना कि सिर्फ उसमें लाइट आती है बट वो दो वाले हिस्से से ज्यादा ब्राइटर होता है। एक के बाद एक अगर फिल्टर से जा रही है चीज तो वो और ब्राइटर होती जाती है। और जितने हम फिल्टर ऐड करते जाएंगे अलग अलग एंगल पर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उतना ही वो ब्राइटर होते जाता है। यानी अगर हम बहुत थोड़े 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 के एंगल पे ऐसे लगाते जाए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिल्टर, तो जो लाइट सीधी जा रही थी वो लगभग पूरी तरह से 90 डिग्री मुड़ के भी उतनी ही रह जाती है। और ये बहुत बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। जब इसका गणित देखते हैं तो जो हमें लगता है अगर जैसे जैसे हम फिल्टर बढ़ाते जा रहे हैं हमें लगेगा रोशनी कम होगी बट एक्चुअली वो बहुत बहुत ज्यादा होती है गणित के अनुसार। और ये बहुत बहुत रहस्यमय है। तो इससे हम क्या सीखते हैं और योग में क्या इसका एप्लीकेशन है कि अगर हमें कोई भी बदलाव लाना है जितना हम धीरे लाएंगे उतना कम नुकसान होगा, उतना कम लॉस होगा एनर्जी का। द मोर ग्रेजुअल द चेंज लेसर द लॉस। जितना धीरे बदलाव लाएंगे उतना कम नुकसान होगा, उतनी कम रोशनी जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा का ट्रांसफर कर पाएंगे। थैंक यू।